हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ छोले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं बताऊँगी, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनेगी और बिल्कुल जैसे छोले भटूरे या फिर आप कुलचे के साथ में जिस तरीके के छोले खाते हैं बिल्कुल वैसे ही हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है और हम प्रेशर कुकर में इसे बनाएंगे झटपट, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है और टाइटल में भी पढ़ा होगा कि आज के छोले जो है वो मैं कुकर में ही बनाऊंगी और बहुत ही झटपट में बनाऊंगी। तो इसे बनाना भी आसान है और ये मुश्किल से अगर आप इसे बनाएंगे तो अगर आपने चने को बॉईल कर लिया है तो 10 मिनट में ये छोले आपके बन करके रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने छोले को रात भर पानी में सोक कर लिया था। आप 5 से 6 घंटे अगर दिन में कर रहे हैं तो कर लीजिए। और इसे मैंने पानी में कुकर में डाल करके बॉयल होने के लिए डाल दिया है। तो इसे 2 से 3 सीटी पे या कम से कम 4 सीटी पे अगर आपको लगे कि आपके चने या पानी, जैसा भी पानी है आपके तरफ की, कहीं कभी कभी पानी किसी किसी जगह की पानी में जल्दी पकते हैं, कहीं पे थोड़ा टाइम लगता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और कम से कम 3 से 4 सीटी आप इसे लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 विसिल्स लगाए हैं इसके और मेरे जो चने हैं काफ़ी अच्छे से पक गए हैं। अब हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपके चने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं हुए हैं तो फिर आपको ज़्यादा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पर मैंने इसे बॉयल कर लिया है तो इन सबको निकाल लिया। और बॉयल करते समय मैंने पानी में दालचीनी डाली थी, दालचीनी के 2-3 छोटे छोटे टुकड़े डाले थे, तो आप बॉयल करते समय ज़रूर डालिएगा इसे। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुकर को गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। तो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स ऑयल लिए हैं और यहाँ ऑयल जितनी हमें छोले में ज़रूरत है उसी के हिसाब से, जैसे मैंने बड़े चम्मच से 3 चम्मच यहाँ पे लिए हैं। और यहाँ पर मैं जीरा, आधे चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा ऐड किया है। तो जीरा जैसे ही क्रैक करेगी वैसे ही हम यहाँ पे तेज़पत्ते और लाल सूखी मिर्च डाल देंगे। तो सूखी लाल मिर्च 1 या 2 डाल दीजिए, मैं यहाँ पे 1 डाल रही हूँ, और 2 तेज़पत्ते डाल दीजिए यहाँ पे। तो वो भी हो गया, ये जैसे ही थोड़े से ये हो गए गरम, मतलब फ्राई होंगे, उसके बाद इसे यहाँ पे हमें प्याज डालना है। तो यहाँ मैं प्याज जो मैंने लिया है वो मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं बारीक कटे हुए। तो यहाँ मैं बारीक कटे हुए प्याज को ऐड कर देती हूँ यहाँ, और इसे हमें फ्राई करना है। और फ्राई हम तब तक करेंगे जब तक कि इसके कलर चेंज नहीं हो जाते। तो यहाँ मैंने प्याज को ऐड कर दिया है। प्याज मैं 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं बारीक कटे हुए। तो ये हो गई, इसे हमें फ्राई करना है और फ्राई कम से कम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करनी है, जिससे कि अच्छे से फ्राई हो जाए, इसके अंदर के जो पानी है वो पानी जल जाए इसके, और प्याज फ्राई होने शुरू हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि प्याज अब यहाँ पे फ्राई होने शुरू हो गए हैं। तो यहीं पे हमें टमाटर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं बारीक कटे हुए, और चूंकि मेरी टमाटर जो है ये बहुत ज़्यादा पकी हुई नहीं थी, आपकी अगर खूब अच्छी पकी हुई है तो कलर बहुत, मतलब इसके साथ में अच्छे आते हैं, तो मेरी थोड़ी सी कच्ची और पकी थी ये। तो यहाँ पर मैं थोड़े से गाजर ऐड करूँगी, तो जिससे कि इसके छोले के टेस्ट भी अच्छे होंगे और कलर भी अच्छे आएंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़े से गाजर को यहाँ ग्रेट करके डालूँगी इसमें। तो आपके पास भी अगर हो, अगर टमाटर पकी हुई तो भी, अगर गाजर हो आपके पास तो आप ज़रूर यहाँ पर थोड़ी सी गाजर को मेथी करके कद्दूकस करके आप ऐड कर दीजिए, जिससे कि इसके टेस्ट बहुत ही अच्छे छोले के आते हैं। तो आप जो ढाबे या ढाबे वगैरह के जो छोले खाते हैं ना, वहाँ पे ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो वो लोग अपनाते हैं और उनके छोले इतने अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा मैं क्रश करके डाल रही हूँ इसे, और बारीक वाले से मैंने किया है, मोटे वाले से मैंने नहीं घिसा है इसे। बारीक वाले जो होते हैं ना उससे मैंने घिसा है, जिससे कि बहुत ही अच्छे मिक्स हो जाएंगे ये मसाले के साथ में, और ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं मसाला डाल रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर के लहसुन और अदरक की जो पेस्ट है वो मैंने यहाँ पे डाली है। अगर अदरक की टेस्ट आपको नहीं पसंद हो तो सिर्फ आप लहसुन की ही पेस्ट डालिए। अब यहाँ पर जो मैं धनिया डाल रही, धनिया पाउडर 2 चम्मच मैंने डाला है। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर लूँगी, गरम मसाला लूँगी, ये सब हमें यहाँ पे ऐड कर लेना है। और नमक मैं सबसे लास्ट में डालने वाली हूँ, क्योंकि चने मैंने बहुत ही अच्छे से बॉईल किए हुए हैं, तो इसलिए मैं नमक पहले से डालूँगी, तो चने और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ये हो जाएंगे, पक जाएंगे।
तो नमक में लास्ट में ऐड करो। यहाँ मैंने 2 चम्मच गरम मसाला डाला है। दूसरा, हमने चना जो फ्राई किया, सॉरी बॉईल किया था, तो उसके जितने भी पानी थे वो हमें सेपरेट करके रख लेना है और उस पानी को यहाँ ऐड करना है। उस पानी को हम फेंकेंगे नहीं। तो यहाँ मैंने पानी, वही पानी मैंने अलग से रख लिया है। अभी मैंने यहाँ पर चना डाल दिया है। अभी सबको भूनूंगी, और बीच में अगर मसाले फ्राई करने में भी आपको पानी की ज़रूरत हो ना, तो चने के पानी ही आप यहाँ पर ऐड कीजिए। तो इसलिए चना जब आप बॉयल करें तो काफ़ी अच्छे से उसे वॉश कर लीजिए चना को, और तब आप उसको पानी, फ्रेश पानी में बॉयल कीजिए, ताकि उस पानी में आप दालचीनी डालकर फिर जब उसे बॉयल करेंगे तो उसके पानी को आप सेपरेट करिएगा और उसे ही छोले में ऐड, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो आप फिर दूसरी पानी दीजिए, सादे पानी। तो यहाँ मैं ढक ढक के इसे भून रही हूँ अच्छे से। तो इसे अच्छे से ये देख सकते हैं यहाँ पे कि काफ़ी अच्छे से फ्राई हो रही है। अब मैं वही पानी जो आपको मैंने बोला था वो पानी मैंने डाला है, और पानी कम थी तो मैंने थोड़ा सा और फ्रेश पानी ऐड कर दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं इसे करूँगी मिक्स और इसे अच्छे से बॉयल होने दूँगी। तो चूंकि मेरे चने जो है वो अच्छे से बॉयल है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अब इसे मतलब विसिल्स नहीं लगानी है, सीटी नहीं लगानी, तो मैं ढक के ही पकाऊंगी इसे गैस की फ्लेम को लो करके। तो ऐसे ही करके मैं 5 से 7 5 मिनट में इसे ऐसे ही पका लूँगी, और इसमें मेरे छोले जो है वो हो जाएंगे रेडी। तो यहाँ पर मैंने कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पर सीटी भी लगा सकते हैं, अगर जिनके चने बहुत अच्छे से नहीं पके हैं तो यहाँ पर आप सीटी लगा करके भी एक या दो सीटी आप लगा लीजिए बंद करके, तो आपके चने और अच्छे से आपके मसाले के साथ में पक जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सीटी मुझे नहीं लगानी है, इसलिए मैं सीटी नहीं लगा रही हूँ, और मेरे चने काफ़ी अच्छे से पके हुए। अब मैंने यहाँ पे कर दिया है नमक को ऐड। तो जितने छोले हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे नमक ऐड कर लीजिए, और करके कर मिक्स करके और उसे 2 से 3 मिनट और पकने दीजिए। अब मैं यहाँ पे ढक देती हूँ उसे, और गैस की फ्लेम को अब बंद कर दिया है। और चलिए, मेरे छोले तो हो गए रेडी भटूरे के साथ सर्व करने के लिए। तो आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो? देखा आपने कि झटपट में बनी है ये। और चने जब फूले हुए होते हैं पहले से, और आप उसे अगर अच्छे से बॉईल कर लेते हैं ना, तो बनाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। जैसे हम ढाबे रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे झटपट मुश्किल से 10-15 मिनट में सर्व कर देते हैं, तो वैसे ही बॉईल करके रखे होते हैं तो मसाले उनके रेडी रहते हैं, तो बहुत जल्द बनते हैं। हमें मसाला रेडी करना है और बनाना है इसे। तो मैं यहाँ पे भटूरे के साथ इसे सर्व कर रही हूँ, और आम के अचार के साथ। तो आप भी इसे सर्व कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।